व्हाट्स अप एवरीवन, स्वागत है आपका रोमांसेस में। आज हम लोग को मिला है स्पेशल रिसर्च टास्क। अब मुझे नहीं मालूम कि ये टास्क क्या है, मैं आपके साथ ही सॉल्व करूंगा। और एक बात अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि यार रोमान ने ये टैटू कहां से लगा दिया, तो ये स्टेप चार्ट का एक फिल्टर, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सर्च में जाना है, पोकेमॉन टाइप करना है, वहां पे ईव का लेंस आएगा, बस उस पे बाकी आप लोग को आता है। अभी ये कोई प्रमोशन नहीं है, डोंट वरी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाल ही में मैंने अपने चैनल पे हाउ टू गेट फ्री म्यू इसके ऊपर वीडियो बनाई, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे और ये वीडियो बहुत पहले ही बन चुकी थी, तो पोस्ट जरा अभी हाल ही में हुई है। और एक और एक बात, अभी वीडियो में आगे बढ़ने थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को कर दो एक लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अभी चलते हैं आप अपने सीधा इंट्रो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दूरबीन आता है, दूरबीन। ओके, एक और एक बात, बहुत सारे लोग मुझे बोले थे कि यार म्यू कैसे पकड़ना है, म्यू कहाँ पे मिलता है, म्यू का टास्क कहाँ पे मिलता है। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि जब आप ऐसा राइट करोगे, यहाँ पे स्पेशल आता है, तो स्पेशल में एक टास्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अ मिथिकल डिस्कवरी। ठीक है, तो मिथिकल डिस्कवरी भी यहाँ पे कहाँ पे है, मिथिकल डिस्कवरी, ये वाला, जो कि मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके। तो मिथिकल डिस्कवरी का अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग का यही क्वेश्चन होता है कि मिथिकल पोकेमॉन जिराची कहाँ पे मिले, न्यू कहाँ पे मिले। तो यही स्पेशल यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्पेशल तो यहीं पे आपको सारे ऑलमोस्ट मिथिकल देखने को मिलेंगे, मेल्टन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि यार आपको मेल्टन मिले तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मेल्टन देखने को मिलता है। ठीक है, मेल्टन कैसे अपने को मिलेगा, बहुत सारे मेल्टन अपने को कहाँ से मिलते हैं, मिस्ट्री बॉक्स क्या है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में येस करोगे तो, बिकॉज आप लोग बोलोगे तो ही मेरे को मालूम पड़ेगा। तो एनीवेज अभी मैं यहाँ पे वेदर वीक है, ये 5 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लेम रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मालूम होता है, तब सड़े पोकेमॉन ही देखे थे लोग यार, तो मैंने इसको कर दिया कॉट। ठीक है, वेरी गुड। और दोस्तों बहुत सारे लोग ने मुझको पूछे थे यार कि वो लोग को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कि उन लोगों का पोकेमॉन गो उन लोगों का स्टार्ट नहीं हो रहा है, या पीजी शॉप उन लोगों का स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे उन लोगों को बताते हैं कि पोकेमॉन गो है स्क्रैच्ड, पीजी शॉप है स्क्रैच। अगर आप लोग चाहते हो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में येस जरूर बोलना, और येस बोलोगे तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ के लिए आप लोग वीडियो बोलो। तो आप लोग कमेंट पर अच्छा खासा लिख दो यार कि मतलब यार ये मिथिकल के ऊपर वीडियो बनाओ या फिर पोकेमॉन गो के ऊपर वीडियो बनाओ। ओके, एनीवेज चलो ठीक है, क्लेम रिवॉर्ड कर दो, सिर्फ 200 स्टार्टस मिला है साला। ओके, यहाँ पे एक और एक अपने को, अरे यार मेरे को साइडक, मेरे को ओ माय गॉड आई डोंट हैव पोकेबॉल्स, तो अपने को एक करना पड़ेगा, पोकेबॉल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं ले लेता हूँ एक पोकेबॉल। ठीक है, साइडक मेरे को ऐसा लगता था कि यार साइडक एक वो पोकेमॉन है, साइकिक पोकेमॉन है, क्योंकि जो मिस्ती है उसका साइडक थोड़ा पागल लेता था, एंड एक्ट करता है, लेकिन मेरे को बाद में पता चला, अरे माँ कसम यार ये कोई फिजिकल पोकेमॉन नहीं है साला, ये सी वो पोकेमॉन में, मतलब पोकेमॉन में ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स है यार। अभी यहाँ पे देखो ये वाटर पोकेमॉन है, ठीक है, अरे तीसरा वाला आप देख लेते, ठीक है यार, कोई सड़ा दे, कोई सड़ा पोकेमॉन दे कोई सड़ा पोकेमॉन एनकाउंटर, हाँ दे, मालूम था यही देगा यार, ठीक, हाँ हाँ ठीक है, आ जा। अब दोस्तों ये जो मैंने इसको कैंडी दिया हो ना, ये वाली कैंडी और ये पाइनएप बेरी, ये येलो वाली जो है पाइनएप बेरी, ये दोनों में फ़र्क है। पाइनएप बेरी क्या करता है, पाइनएप बेरी जो है उसकी डबल कर देती कैंडी, और जो सिल्वर पाइनएप है ना ये क्या करता है, एक कैंडी बढ़ा देता है। देखो ओके, तो दोस्तों फाइनली अपू ने पकड़ लिया, तो मेरे ख्याल से अभी हो गया है टास्क खत्म या ओके। तो दोस्तों यहाँ पे एक और अपने को टास्क दिया हुआ है, तो अपन फटाफट इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ने ये वाला टास्क को भी कंप्लीट कर दिया है, और इसका पूरा जो क्रेडिट है मेरे छोटे भाई नुमान को जाता है, नुमान से इसको जाता है, क्योंकि उसने ही ये पूरे टास्क कंप्लीट किया, क्योंकि हम लोग के पास भी और भी बहुत सारे काम होते हैं।
तो ये चीज़ बोलने का बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली, मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो इंडियंस जो भी बच्चे हैं जो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं हर लेवल पे, कोई गेमिंग की बात क्यों ना, क्योंकि यार आज के ज़माने में गेम खेलना भी बहुत ही कोई छोटी चीज़ नहीं है यार, गेम खेलना भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बड़े लोग नहीं खेल पाते जो बच्चे लोग खेल पाते, तो सॉरी अभी बकवास इतना करने के लिए। तो क्लेम रिवॉर्ड में अगर कोई बेकार पोकेमान आया तो मैं, अरे यार भाई इसका, इसको देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है यार, तुम डिप्रेशन में डाल देगा मेरे को यार। ओके तो फाइनल डे स्पॉट, ओके ठीक है, हाँ ओके मैं वॉल्यूम भी कम कर देता हूँ, ठीक है ओके। तो फाइनली कास्ट फ्रॉम स्कॉट, दूसरे में क्या मिला है? अच्छा ये मिला यार, ओ इसको देख के मेरे को मेरे रैबिट की याद आती है यार, वो रैबिट मर गया यार। ओके तो अगर आप लोग में से दोस्तों अगर किसी के पास कोई पेट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, बिकॉज सच में पेट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे को। ओके ब्यूजल वो स्कॉट, ओके ठीक है ओके। अरे यार रिसर्च कंप्लीटेड, एक्सपी मिला है, वाह 500 एक्सपी, अरे बाप रे 500 एक्सपी, कुत्ते का बच्चा, इसको देख देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है यार सच में यार। ठीक यार साला ये इवॉल्व भी तो नहीं होता ना, चलो इवॉल्व हो तो मजा है, इवॉल्व भी नहीं होता तो कुछ काम का भी नहीं साला ये। ओके अच्छा, अरे यार ये क्या यार, तो टास्क पर टास्क बढ़ते आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं कर देंगे अपन। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ने अभी ये टास्क भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो देखते हैं क्लेम रिवॉर्ड में अपने को यार ये क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है तो ये हम लोग ने इसको पकड़ लिया, विच इज वेरी मच गुड। तो दोस्तों आप लोग को एक और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ यार ज़रूर अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज सच में इससे बहुत बहुत ज़्यादा ही हम लोग को नोटिफिकेशन मिलता है, नोटिफिकेशन नहीं मोटिवेशन मिलता है। तो इससे यार प्लीज़ यार हम लोग एक छोटा सा हम लोग चैनल है आप लोग की मदद से गाइज, हम लोग बस आपका सहारा ही आप लोग का मदद है, इसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार आप लोग से यार प्लीज़ यार ऐसा कर दो यार। ओके तो फाइनली हम लोग ने वो बैट को भी हम लोग ने पकड़ ली है। ओके तो चल यार ख़त्म कर दे यार, ये टास्क कब से चल रहा है यार, बोर हो रहा है यार। ओ वाह इतना सड़ेला ये तो हम लोग ने अभी स्वेलो को भी हम लोग ने कर लिया है पकड़, अभी देखते हैं कि हम लोग अभी आगे क्या करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, और वो ये है कि ओ अपने को एक और टास्क मिल गया, तो दोस्तों मिलते हैं अपने ये वाले टास्क के बाद, बाय बाय। रुको 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 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, और वो ये है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो अमंगस के ऊपर बनने वाली है, अमंगस का एक न्यू अपडेट आ रहा है जिसने पूरे मैप को एक जरा सा चेंज किया है, कौन सा चेंज किया है वो वीडियो में बताऊंगा, और उस मैप का नाम है एयरशिप। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ रिवील नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, अभी आप लोग ये वाली वीडियो देख लो, नेक्स्ट वाली वीडियो अमंगस के ऊपर। तो दोस्तों फाइनली अभी ये टास्क भी हो गया है कंप्लीट, अभी यहाँ पे भी वो मिलेगा, कैट फॉर्म मिलेगा ना मेरे को मालूम है, क्योंकि ये कुत्ते का बच्चा ऐसे ही हो रहा है जब से। कोई बात नहीं तो भी हम लोग फिर भी इसको कैच कर लेंगे। ओके तो मालूम था मेरे को यही मिलेगा यार, अरे यार लेट्स टेक द पोकेमॉन पोके बॉल्स फ्रॉम हियर। ओके ठीक है ओके तो फाइनली कैट फॉर्म इज कॉट। एंड दोस्त लोग आप लोग को एक और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी अगर ये टास्क कर रहे हो, अगर आप लोग को कौन सा प्रॉब्लम फेस हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज यार मुझे फ्लाइंग टाइप तो चलो मिल रहे थे, बट वाटर टाइप पोकेमोन से यार फिर भी चलो मिल रहे थे, बट ओ 95 IV का ये पकड़ने में भी सच में यार इतनी कैंडीज चाहिए रहती है। अगर आप लोग ने दोस्तों इस पोकेमोन को अगर आप लोग ने इवॉल्व अभी तक नहीं किए हैं या किए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मेरे को मालूम पड़ता है यार
400 कैंडीज चाहिए रहती इसको इवॉल्व करने, बट थैंक गॉड मैंने जैसे जैसे करके इसको पकड़ लिया हूँ। प्लीज़ अभी कुछ अच्छे पोकेमोन आए वरना फिर मैं तो सैड हो जाऊंगा। ओ फाइनली वी हैव दिस टोगेटिक, इट इज अ रियली गुड पोकेमोन, सच में बहुत अच्छा पोकेमोन है ये। टोगेटिक इज बीन कॉट, ओके। तो दोस्तों फाइनली ये टास्क हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस। सब्सक्राइब करो चूतिए लोग दुनिया में जीते पोकेमोन, सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर बनना है हमें। सब्सक्राइब करो चूतिए लोग दुनिया में जीते पोकेमोन।